दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कोरोना काल में आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और घर के अंदर ही सेफ होंगे। आज मैं किरण सहार में आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिवड़े। आप जानते हैं जिसका हम पोहा बनाते हैं, उसी के मैं आज एक हेल्दी नमकीन बनाऊंगी, जो कि शाम के चाय के साथ या किसी वक्त भी जब आपको कुछ भी खाने की इच्छा हो तो आप ये भी खा सकते हैं। और हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें जो सामान पड़ेगा वो सारा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स वाली है, तो इसलिए ये हेल्दी रहेगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपने करते हैं गैस को ऑन और अपनी नमकीन को बनाना करते हैं शुरू। दोस्तों, हमने अपनी गैस को कर दिया है ऑन। अब मैं इसे डालने जा रही हूँ रिफाइंड ऑयल। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने तेल बहुत ज़्यादा डाला है। हाँ, मैंने तेल बहुत ज़्यादा डाला है क्योंकि हमें ये जो चूड़ा है हमारे पास, ये 200 ग्राम चूड़ा है और इसको हमें जब ये ऑयल हमारा बहुत तेज गर्म हो जाएगा तब हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो इसलिए हमें जो ऑयल है उसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमें वो डीप फ्राई करना है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा तेल जो है वो गर्म होने ही वाला है। मैं आपको बता दूँ क्योंकि जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो इसे हम छान के भी निकालेंगे फिर भी थोड़ा सा ऑयल रह जाता है छन्नी में। तो आप लोगों के पास कोई भी, अगर कोई नेट हो या कोई भी, आप मेरे तो मेरे पास अभी ये था नैपकिन पेपर, तो मैंने यही लगाया है नेट वाली डोंगे में, तो आप लोग भी इसको लगा सकते हैं ताकि जो हमारा जो तेल एक्स्ट्रा निकलेगा तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी नमकीन में थोड़ा कम तेल आए। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि तेल सोख जाए। दोस्तों, हमने एक बार चेक कर लिया, हमारा हो गया है तेल बिल्कुल गर्म। अब हम इसको डालेंगे। हमें ये एकदम से निकालना है। दोस्तों, अभी मैंने चूड़े को डीप फ्राई करके रख दिया है। अब मेरे पास ये मखाने थे, अभी मखाने को भी मैं इसमें डीप फ्राई ही करूँगी ताकि इसमें खूब कुरकुरापन आ जाए। हमारी आँच अभी तेज है, हमें तेज आँच का ही प्रयोग करना है क्योंकि हमें इतनी ही आँच चाहिए। हमारे जो ये मखाने हैं ये भी हो गए हैं, तो मैं अभी इनको भी निकाल लेती हूँ। आप लोग कोशिश करिए कि तेल जो है ज़्यादा खाना आए क्योंकि ये जो मखाने होते हैं ये तेल को बहुत सोख लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना बचा हुआ हमारे पास ये तेल है इसी में हमें अपने और ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करने हैं। दोस्तों, हमारे मखाने हो गए हैं तैयार। अब मैं इसमें बादाम और काजू, अब आज को हम कर देंगे बिल्कुल कम क्योंकि हमें जलाने नहीं है। तो गैस को बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है, तो उसको भी हम आप निकाल देंगे बाहर। हमारे हो चुके हैं, मैंने गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है क्योंकि तेल जो है बहुत ज़्यादा था तेज, तो हमें तेज आंच बिल्कुल नहीं चाहिए।
अभी हमारा तेल जो है गरम है, तो मैं इसमें अभी मछली को हल्का फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैंने गैस को बंद करके रखा है। गैस को ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मूंगफली को धीमी आंच में भूनना है, धीमी आंच में भूनना है। दोस्तों हमारी मूंगफली भी हो चुकी है करारी, अब हम इसको भी बाहर निकाल देंगे। अब हमें इसमें अपने नारियल को भी हल्का सा फ्राई करना है, और थोड़ा सा गैस को तेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये भी सुनहरे करने हैं। दोस्तों हमारा नारियल भी हो चुका है सुनहरा, और इसको भी हम लोग निकाल देंगे। दोस्तों अपने किशमिश को भी थोड़ी हम इसमें तेल में हल्का सा ऐसे, ये चटके ही काम को ध्यान रखिएगा। गैस को कर देना है बंद। दोस्तों मैंने थोड़ा सा तेल इसमें से कम कर दिया है क्योंकि अब लास्ट में हमें सिर्फ हमारे रह गए हैं कड़ी पत्ते को फ्राई करना है। ये मैंने धो रखे हैं, थोड़े गीले हैं तो ये थोड़े चटकेंगे, तो थोड़ा सा इससे सावधानी बरतनी है। दोस्तों तो अभी ये थोड़ी देर हमारा ठंडा हो चुका है और मैंने अपने ये डाल दिए थे इसमें। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो जाली वाला था मेरे पास, अब मैंने इसमें ये नैपकिन पेपर लगाए थे, तो मेरे ये जो बिल्कुल जो चूड़ा था हमारा वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें अब कोई ऑयल नहीं है, बिल्कुल कुरकुरा है लेकिन विदाउट ऑयल है। और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करे थे इसको भी मैंने इसमें डालने के बाद, ये मैंने इसमें डाल दिए थे ताकि जिसका जो तेल है वो सारा हमारे इसमें नैपकिन पेपर में आ जाए। अब हम इसमें इनको मिक्स करने जा रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा तेल जितना नमकीन में कम आए। अभी हम इसको अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों अब मैं आपके सामने इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ी सी इसी लाल मिर्च, टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालना है ताकि थोड़ा सा नमकीन का अच्छा फ्लेवर आए। और साथ ही डालने जा रही हूँ एक चम्मच नमक। नमक इसमें भी हमारा थोड़ा कम ही पड़ेगा क्योंकि इन नमकीनों में ये चीज़ ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है। और ये है मेरे पास थोड़ा सा चाट मसाला, इसको आप डाल सकते हैं एक चम्मच चाट मसाला। इसी का जो फ्लेवर है वो बड़ा अच्छा सा आएगा और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों आपके पास अगर घर में कोई नमकीन बाजार की रेडीमेड है तो वो आप इसको डाल सकते हो। तो मेरे पास ये आलू भुजिया थी तो मैं इसमें ये भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसको हम ऐसे करके मिलाएंगे। देखिए अभी बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं है। कई लोग डरते हैं कि तेल खा लेंगे, फ्राई डीप फ्राई है तो तेल ज़्यादा खा लेंगे तो हेल्थी का नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम इसको थोड़ा सा करेंगे। और मैंने आपके सामने कड़ी पत्ते को किया था डीप फ्राई, इसको मैंने थोड़ा तेल ऐसे कर दिया था। और अब साथ में मैंने इसको किया था कसूरी मेथी, जो मेरे पास कसूरी मेथी थी वो भी हमने इसमें डाल दी थी। अभी मैं इसको ऐसे मैश करके इसमें डालूंगी। जो तेल है थोड़ा सा इसमें निकाल देंगे अलग से, थोड़ा नितार के करना है ताकि तेल हमारी नमकीन में ना आए। दोस्तों अब मुझे अपने हाथों से इसको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। जो कड़ी पत्ते का फ्लेवर आएगा वो इतना अच्छा लगेगा नमकीन में
कि हमारे नमकीन का जो स्वाद है वो बढ़ जाएगा। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको डाल सकते हैं, या अगर आपको बिना ड्राई फ्रूट से खाना है तब भी आप वो भी कर सकते हैं, खाली चिवड़ों को बना के। अब हमारे नमक मिर्च और सारा हमारा ये है तैयार है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने ये नमकीन को कैसे बनाया, चिवड़े से बनी हुई ये नमकीन है और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और जो जो मैंने डाला वो आपके सामने डाला। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके शाम की चाय के साथ आपको ज़रूर इसे खा के अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।